हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक विद्युत फ्लक्स। इससे पहले अपन क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले अपन बल पढ़ चुके हैं बल। बल के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, और विद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है, रेखाओं के कारण। तो कौन सी रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, वो भी पढ़ चुके हैं। आज अगला उसी से रिलेटेड टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। तो इसके बाद देखें कि विद्युत फ्लक्स जो है क्या होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स के बारे में देखें तो देखना, ध्यान रखना, अभी जैसे विद्युत फ्लक्स आएगा आगे चुंबकीय फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, बस शब्दों को चेंज करना है, दो टॉपिक हो जाएंगे तैयार। ठीक है, तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या है, सुनते जाना कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल में से, काल्पनिक तल है, तल में से लंबवत गुजरने वाली रेखा है। लंबवत गुजरने वाली, इसको ऐसे कर देते हैं, रेखाओं की संख्या, साधारण परिभाषा बनाए तो ऐसे बनेगी बस। क्या है भाई, क्या परिभाषा है, कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल, काल्पनिक तल है, में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या, रेखाओं की संख्या। मान के चलो ये एक तल है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, क्या जा रहा है, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। ठीक है, इस तल को मैंने रख दिया, तो मान के चलो ये पतला है, ठीक है, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इसके ऊपर से निकल जाएगी, कुछ इसके नीचे से निकल जाएगी। तो इस तल से विद्युत क्षेत्र कितना गुजर रहा है, गुजर ही नहीं रहा, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा इस तल के लिए, जीरो। क्लियर, अब मैं ऐसे से देखना ध्यान से, अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, तो अब क्या दो तीन रेखाएं गुजरेगी, अब मैंने ऐसे किया चार गुजरेगी, ऐसे किया पांच, अधिकतम पांच रेखाएं गुजर रही, गुजर रही है, क्यों, क्योंकि ये तल उसके क्या है, लंबवत है। क्या है भाई, अरे बात आ रही नहीं आ रही समझ में, ये तल जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या है, लंबवत रखा हुआ है, बात आ रही नहीं आ रही समझ में, ठीक है, क्लियर। तो अपन ने देखा कोण पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, कोण पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल में से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसको ऐसा कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। क्लियर भैया, तक परिभाषा बन गई विद्युत फ्लक्स की। अब इसने क्या किया, देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो उसको हटा दूं, एक बार देख लो या तो नोट कर लो परिभाषा, जल्दी से नोट करो परिभाषा, इसको हटाता हूँ आगे बताता हूँ। विद्युत फ्लक्स हेडिंग डालो, उसकी परिभाषा डालो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे पूरा मैंने परिभाषा पूरी लाइन लिख दी, उस प्रश से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाती है, रेखाओं की संख्या उस प्रश से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। लिखा, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं।
मेथड लिख लिया, ठीक है। अब अपने को क्या लिखना है, इसका डेरिवेशन करना है। क्या करना है, छोटा सा इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो क्या है, अपन लिखेंगे, मान लो डेरिवेशन करें, यदि किसी अल्पांश क्षेत्रफल, देखते जाना है, ds से e विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, तथा थीटा e व ds के मध्य कोण है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, पाई ई बराबर ई डॉट ds, क्या होगा, ई डॉट ds। फ्लक्स कितना होगा भाई, यदि किसी का क्षेत्रफल ds है, पूरा समझाऊंगा अभी, यदि किसी अल्पांश का क्षेत्रफल ds है तथा उससे ई विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पाई ई बराबर ई डॉट ds। अर्थात ई व ds अर्थात विद्युत क्षेत्र ई व अल्पांश क्षेत्रफल ds का बिंदु गुणन, क्या कौन सा गुणन, बिंदु गुणन क्या कहलाता है भाई, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्लियर है भाई, E व ds का बिंदु गुणन विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में, लिख लो आराम से लिख लो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, चलो अब इसको मूव करते, ठीक, हटाते हैं। अब देखो ये, देखो यहां से अपन शुरू करते हैं फिर से। अब देखो क्या है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो आप देख रहे हो कि एक तल है, एक तल से विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, एक तल है उससे विद्युत क्षेत्र रेखा, ये एरिया को क्या बोल दिया, डेल्टा एस, क्या बोल दिया। देखो डेल्टा एस और डीएस में क्या अंतर है, डेल्टा एस का मतलब होता है थोड़ा एरिया, डीएस का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ा एरिया, क्या एरिया होता है, डी का मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ा, ये अवकलन की कैटेगरी में चला गया, अभी अवकलन पढ़ रहे हो ना आप, तो ये अवकलन की कैटेगरी में चला जाता है। डेल्टा तक नॉर्मल होता है, दसवीं तक डेल्टा ही समझ में आता है, उसके बाद जैसे आते इलेवन में क्या आ जाता है, डी आ जाता है। इसका मतलब क्या है, डी और एस अलग अलग गुणा नहीं है, डी एस एक टर्म है, इसका मतलब है बहुत थोड़ा एस, बहुत थोड़ा एस, बात आ रही समझ में, मतलब बहुत थोड़ा क्षेत्रफल लिए, बात आ रही समझ में, क्लियर। तो अब अपन शुरू करें इसका डेरिवेशन देखना, तो देखियो ध्यान से, ये सारा का सारा कहानी क्या है, देखो ध्यान से, ये ई विद्युत क्षेत्र इधर है और इसका जो एरिया सदिश है, सुनना ध्यान से, इसका एरिया सदिश, अब बात करोगे आपको कि सर एरिया सदिश क्या होता है, तो देखो बता दूं, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल एक सदिश लिया जाता है फिजिक्स में, ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल क्या होता है, एक सदिश होता है, क्लियर।
जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो आप ज्ञात करोगे, लेकिन सदिश कैसे लोगे? तो मान के चलो ये बुक है, बुक है, क्लियर। इस बुक, सुनना ध्यान से, इस बुक का ये तल है, ठीक है। तो तल के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश, क्या होता है तल के, तो इस बुक का क्षेत्रफल सदिश या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ये तो समझ में आ रही है, इतनी बात तो समझ में आ रही है, क्लियर। मान के चलो ये रिमोट है, ठीक है, मान के चलो रिमोट है, तो या तो क्षेत्रफल सदिश इसके ऊपर होगा या इसके क्या होगा, नीचे होगा। क्लियर बात आ रही है समझ में, ठीक है। इसको क्या हो गया, एक मिनट, तो हर बार ऐसा करना पड़ेगा, चेक करवाओ ना भाई इसको, ठीक है। तीसरा सुनना, मान के चलो ये हथेली है, ठीक है, हथेली से समझते हैं। ये अगर ये क्षेत्रफल है, कैसा भी है, गोल है, आयत है, वर्ग है, कैसा भी है, इसका क्षेत्रफल सदिश इतना आपके दिमाग में क्लियर आना चाहिए, तल के लंबवत होता है, कहाँ होता है, इस तल के लंबवत होगा, मतलब या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, इतना तो समझ में आ रही बात, क्लियर, बैठिए दिमाग में। चलो अब निकालते कैसे, कहीं कहीं पे अपने को डायरेक्ट पता चल जाएगा क्षेत्रफल सदिश, कहीं कहीं पे इसके निकालने के तरीके होते हैं। जैसे मान के जो धारा बह रही है, तो अगर धारा ऐसे बह रही है किसी लूप में से, एक लूप है, लूप क्या है, एक आयताकार लूप है मान लो, तो एक आयताकार लूप क्या है, क्षेत्रफल है उसका, अरे आयताकार लूप का क्षेत्रफल है ना, तो उसमें धारा की दिशा के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करते हैं। जब आएगा आगे तब बताएंगे, अभी इतना अपन चर्चा नहीं करेंगे। अभी अपन देखते हैं कि हाँ भाई क्षेत्रफल सदिश कुछ होता है जो तल के लंबवत होता है। तो ये अगर कोई क्षेत्रफल है, सुनना, तो आप हमेशा देखो क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्वेश्चन में दो चीजों पर हमेशा फोकस करना, क्या करना, एक तो क्षेत्रफल या तल, देखो क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ रहेगा या तल दिया हुआ रहेगा, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक में दिया होगा कि उसका तल इसके साथ इतने डिग्री का कोण बनाता है, तो एक अलग बात है, बुक में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि उसका क्षेत्रफल सदिश इसके साथ इतना कोण बना रहा है, दो अलग अलग बात है। अरे बात अरे समझ में, तल ये होता है, क्लियर, तल ये होता है, क्षेत्रफल सदिश ये होता है लंबवत। अरे बात आ रही कि नहीं अर्सन में, तो दो अलग अलग बात हो गई ना। तो सवाल में कभी मान के चलो क्षेत्रफल सदिश आए तो आपको क्या लेना है, ये, क्लियर, और तल आए तो ये ध्यान रखना है। इससे कंफ्यूज करने के काफी आगे काफी सारे क्वेश्चन है, उस पर ध्यान से देखेंगे। चलो नेक्स्ट, अब देखो, अब ये वाला चित्र बुक ने दिया हुआ, अपन बुक के अकॉर्डिंग ही चले, ठीक है, या मैं अपना एक चित्र बना लेता हूँ रेंडमली, उससे कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा चित्र, मैंने एक रेंडमली एक तल ले लिया, ठीक है, क्लियर। इसका विद्युत क्षेत्र इधर है dA, विद्युत क्षेत्र कितना E इधर है, एक तल लिया मैंने, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई dS, कितना है dS, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इससे मान के चलो ये dS जो है ना, ये dS जो है इधर है, मान लो E तो ऐसे है और dS ऐसे है, और E और dS के बीच में कौन कितना है, थीटा कौन है, मान लो, क्लियर, E और dS के बीच में कौन कितना है, थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इस dS के दो घटक ले लूंगा, क्या ले लूंगा, घटक ले लूंगा, घटक कैसे लेंगे, तो देखो इस dS के दो घटक लूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, इस dS ये पास में थीटा है, तो इस dS का एक घटक तो इधर आ जाएगा, और एक घटक क्या आ जाएगा, इसके लंबवत रहेगा कि नहीं आएगा। जब भी कोई सदिश होता है और उसके घटक लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कोई सदिश होता है और उसके क्या करते हैं अपन, घटक लेते हैं, तो क्या करेंगे अपन, एक घटक थीटा की तरफ ले लेते हैं, एक घटक थीटा के दूसरी तरफ लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा कठिन है, क्यों, क्योंकि आपने 11th ऐसे ही पढ़ी है, ठीक है, कोरोना के टाइम में सब इधर हो गया। अब ध्यान रखना, घटक लेने का प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये अपने आगे तक काम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, घटक लेने का प्रोसीजर, कि यदि मान के चलो कोई सदिश है, ठीक है, एक और दो, दोनों के बीच में कौन है, मैं dS का घटक इसके ऊपर ले सकता हूँ, E का घटक इसके ऊपर भी ले सकता हूँ, किस, दोनों सदिश है, घटक हमेशा सदिश के लिए जाते हैं, घटक हमेशा जो होंगे वो समकोण पे होंगे, घटक हमेशा किस पे होंगे, समकोण पे होंगे। अगर मान के चलो कोई ऐसे है बीच में, ये सदिश है, और तो क्या है, दोनों घटक समकोण पे होंगे, एक घटक x अक्ष पे होगा, एक घटक y अक्ष पे होगा, क्लियर, x y पे होगा, y z पे होगा, किसी भी हो सकता है, मतलब दो लंबवत पे होगा, बात आ रही समझ में। तो देखिए इस dS और ये थीटा, थीटा के पास की भुजा, थीटा के पास की भुजा हमेशा कॉस थीटा होती है, क्या होती है, कॉस थीटा होती है, आपको याद रखना है, कैसे होती है, अब ये त्रिकोणमिति पूरा पढ़ेंगे, अभी अपने को जल्दी, क्योंकि 11th में अपन ये चीजें सारी सिखा देते हैं, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती है।
पर मैं बता दूंगा आपको बाद में अलग से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एस का कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी एस का कौन सा थीटा, साइन थीटा। ये घटक ऐसे होते हैं हमेशा याद रखने, क्लियर। थीटा के पास वाली हमेशा भुजा क्या होती है, कॉस थीटा। तो डी एस का कॉस थीटा उधर क्या हो गया, डी एस का, ठीक है, क्लियर। तो अब अपन इसकी कहानी बनाए, तो अब इसकी कहानी मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। माना किसी तल के अल्पांश क्षेत्रफल डीएस से विद्युत क्षेत्र ई चित्रानुसार गुजर रहा है, क्लियर। चित्रानुसार क्या हो रहा है, गुजर रहा है, राइटिंग पे मत जाना क्योंकि जल्दी लिखना है इसलिए ऐसी आएगी। तो चित्रानुसार गुजर रहा है, तो चित्रानुसार चित्र दिख रहा है उसको, गुजर रहा है, तथा ई व डीएस के मध्य कोण थीटा है, फ्लक्स ज्ञात करने के लिए या विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए डीएस के दो घटक डीएस कॉस थीटा व डीएस साइन थीटा करने पर, ठीक है, क्षेत्रफल डीएस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स है ना, कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इनटू उसी दिशा में, विद्युत क्षेत्र इनटू उसी दिशा में डीएस का घटक, उसी दिशा में किसका घटक, डीएस का घटक। तो विद्युत फ्लक्स कितना है, फाई, विद्युत क्षेत्र कितना है, ई, और उसी दिशा में डीएस का घटक कौन सा है, डीएस का कॉस थीटा। अरे है कि नहीं है, ठीक है, अब आ जाओ लाल कलर पे आ जाते हैं अपन। तो फाई कितना हो जाएगा, ई, यहाँ क्या हो जाएगा, डॉट, क्योंकि तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, डॉट होता है, पता है ना, अरे पता है कि नहीं पता, कॉस थीटा होता है डॉट, ठीक है। अब ये सब 11वीं की चीजें हैं, तो फाई बराबर ई डॉट डीएस, फाई बराबर क्या हो गया, ई डॉट डीएस, क्लियर, फ्लक्स आ गया। अब मैं कहूं गुजरने वाला फ्लक्स, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसके आगे डी लगा दू, अल्प है ना, तो अल्प मैं कर दू, डी फाई, इसको भी अल्प कर दू क्योंकि डीएस अल्प क्षेत्रफल के लिए, तो इसको मैंने क्या कर दिया, डी फाई, इसको कर दिया डी फाई। अतः अब मैं क्या लिखू, अब संपूर्ण पृष्ठ से, किससे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किससे गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, क्या करूंगा मैं, इधर डी फाई का करूंगा समाकलन और इधर करूंगा ई डॉट डीएस का समाकलन। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, सर आपको पढ़ा रहे हैं समाकलन, समाकलन में क्या पढ़ा रहे, समाकलन मतलब सम करना, सम मतलब जोड़ना, तो छोटे छोटे डीएस को मैं जोड़ूंगा तो एक बड़ा डीएस बनेगा ना, तो छोटे छोटे डी फाई को मैं जोड़ूंगा तो एक बड़ा डी फाई बनेगा, तो इंटीग्रेशन डी फाई क्या होता है, हमेशा फाई बराबर ये हो जाएगा समाकलन ई डॉट डी एस, सदिश आप लगा देना, ये आपका आ गया उत्तर, क्लियर। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, क्लियर। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब एक चीज और लिख देता हूं, कहां जगह है, यहां लिख देता हूं, यदि पृष्ठ, सुनना, यदि पृष्ठ क्या है, बंद है, क्या है, बंद है, तो फ्लक्स क्या होगा, तो कुछ नहीं है, ई डॉट डी एस क्या लगेगा, आगे गोला लग जाएगा इसके ऊपर, बंद के लिए क्या लग जाएगा, गोला लग जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, अभी मैंने फाई को फाई लिखा है, क्लियर, क्योंकि एक ही यही चैप्टर चल रहा है, अभी चुंबक वाला तो नहीं चल रहा,
जब चुंबक वाला और ये दोनों साथ में लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, इसको फाई ई लिखेंगे, उसको फाई बी लिखेंगे। अरे बात आ रही समझ में, अभी तो एक ही है तो कोई फाई बोलो तो चलेगा, ठीक है भाई, क्लियर। तो इस तरह से फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अरे क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में सबको, पक्के से समझ में आया, दिमाग में बैठा, भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, घुस गया ना। आसान सा डेरिवेशन है विद्युत फ्लक्स। अगर आपने विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया तो आपको चुंबकीय फ्लक्स में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेम टू सेम प्रोसीजर है, सेम टू सेम डायग्राम है, बस भाषा चेंज करनी है। विद्युत की जगह क्या लाना है, चुंबक शब्द लाना है बस, क्लियर है भाई। विद्युत क्षेत्र रेखा की जगह कौन सा लाना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। बात अर्जुन में, अरे क्लियर, चलो ये हो गया, जल्दी से करो नोट इसको, जल्दी से मिल्खा सिंह स्पीड में नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ माना की, करो करो जल्दी से करो, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करो जल्दी जल्दी नोट करो भाई, करो जल्दी जल्दी नोट करो भाई। हो गया, करो करो जल्दी करो, आप तो कह रहे थे अब।
हाँ अरे आवाज नहीं आ रही थी। तो बेसिक सूत्र तो ये हो गया, सबसे बेसिक सूत्र है ये, ठीक है। हाँ तो अब इसके बाद अपन गाउस का नियम पढ़ेंगे आगे, इसी से रिलेटेड है। तब गाउस का नियम एक और सूत्र देगा बाहर, फिर अपन क्या करेंगे इस सूत्र उस सूत्र को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। जब दोनों सूत्रों को कंपेयर करेंगे तो क्या होंगे, गाउस के अनुप्रयोग तीन बड़े डेरिवेशन है वो सॉल्व होंगे। बात आ रही नहीं समझ में? एक ये हो गया, इसमें तो इतना ही है, इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। ये है लिमिट, जो भी लगानी है लगा देंगे। ये लास्ट अंतिम जो फाइनल फॉर्मूला है वो कौन सा है, ये वाला। क्लियर है भाई? फाई बराबर, ऐसा नहीं है फाई से फाई काटा, अरे समझ में आ रही बात, ये इंटीग्रेशन के ऊपर गोला है। बात है, कोई बच्चे होते जो जिनको सुना नींदों में रहते क्लासों में तो सीधा दिखता, अच्छा ऐसा कुछ है फाई से फाई काटा, तो काटा तो बचा क्या, सुनने बट्टा सन्नाटा। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई। ये हो गया, हटा दू है सटाक, चलो इसको मैंने किया हटा दिया। चलो तो अब इसके बाद थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं, थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि विद्युत क्षेत्र है, और देखो क्षेत्रफल एक सदिश है। क्षेत्रफल क्या है, एक बुक भी पढ़नी आनी चाहिए। देखो मैं तो साइड में लिखा रहा हूँ, लेकिन बुक पढ़ने की आदत डालो, जो अपने सिलेबस में वो बुक पढ़नी आनी चाहिए। लोग नहीं पढ़ते हैं, लोगों को जो पुराना आता है भाई, सिलेबस चेंज अपना कॉन्सेप्ट चेंज, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही तरीका चेंज। अब ये किताब मेन है अपने लिए, बात आ रही नहीं समझ। और एनसीईआरटी यार, एनसीईआरटी तो महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में यहीं से सवाल आते हैं, हर चीज ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो विद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल सदिश इधर है, और ये क्या है तल, ये क्या है ध्यान से देखना। ये हो गया तल वस्तु का, ये हो गया उसका क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हो तल क्षेत्रफल में के बीच में कितना कोण है, अरे कितना कोण है भाई, 90 डिग्री। तल और क्षेत्रफल सदिश में हमेशा कितना डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र है, ये इधर जा रहा है, क्लियर। इन दोनों के बीच में कोण ले लिया थीटा, तो वही है ना, इसको अपन मान लेंगे डेल्टा एस कॉस थीटा, और इसको क्या मान लेंगे डेल्टा एस। अरे अभी पढ़ा था ना वैसा, मतलब अपन ने वो पढ़ लिया, तो अपन अब कोई कोई कैसा भी डेरिवेशन अपन कर सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई डेल्टा लिखो डी लिखो, ज्यादा कोई फर्क नहीं। बात आ रही समझ में, क्लियर। भले वो गोला ऐसे मैंने जो ऐसे बनाया था, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ तो भी कोई फर्क, मतलब समझ आया, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ये ध्यान मान के चलना, क्लियर। आप 12वीं बोर्ड में पढ़ रहे हो तो आपकी कॉपी कौन चेक करेगा भाई, सीख कर झुंझुनू इधर के कोई टीचर चेक करेंगे? तो निश्चित रूप से उन्होंने जो अपने बच्चों को लिखाया है वो तो आप कॉपी में नहीं लिख के आओगे, आपको तो या मैंने या आपके स्कूल के टीचर ने जो लिखा है वही लिख के आओगे। फिर भी बच्चों के पूरे में से पूरे नंबर आते हैं ना, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्यों, क्योंकि वो उनको पता है कि बच्चा सेम टू सेम तो नहीं लिख सकता, क्लियर। पर उनको पसंद आए अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको मजा आ जाएगा, और उनको पसंद आए ऐसा नहीं लिखा तो फिर अपने को लगेगा यार कैसे कॉपी चेक करिए, रीचेक कराते हैं, ये कराते हैं। वो टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर का मूड कैसा है वो भी उस पर डिपेंड करता है। खुश है, बहुत ज्यादा खुश है तो बढ़िया नंबर टेकेगा, बात अर्जुन में। और मान के चलो नाखुश है कि घर में परेशान है, ठीक है, रोज बीबी से झगड़े होते हैं तो परेशान है, वो झगड़ा कहाँ निकलेगा तुम्हारा कॉपी में, या ये सब काटो इसको है, तुमने इतनी मेहनत करी कितने पूरे साल, और वो 3 मिनट में कॉपी चेक कर देते टीचर लोग, तो सीधी बात है करते, उनके पास इतना टाइम ही नहीं, सब आईएएस तक की कॉपियां ऐसे चेक होती है। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसा लिखना है बढ़िया ताकि सामने वाला आपकी कॉपी देखते इंप्रेस हो जाए, यार ये छोरा इंपॉर्टेंट, मतलब क्या इंटेलिजेंट है, और उसकी कॉपी क्या है तरीके से चेक करनी है, बस इतना फील करा दिया तो आपके नंबर आ जाएंगे, फील कराने वाली बात है। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसी में ही नेक्स्ट केसेस देखते हैं, क्या देखते हैं केसेस। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है, केसेस क्या देखेंगे, केस वन सुनते जाना, विभिन्न स्थितियां, ठीक है। या पहले उसका मात्रक वात्रक ले ले, चलो मात्रक ले लेते हैं, विद्युत फ्लक्स, क्लियर। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है ध्यान से देखिएगा, इसका मात्रक होता है अपने अलग से, ठीक है। क्या होगा बताओ, ई का मात्रक क्या होता है और डीएस का मात्रक क्या होता है, ई और डीएस का मात्रक जो गुणा करेंगे वही इसका क्या होगा, मात्रक होगा, ठीक है। तो ई पाई बराबर, अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकता हूँ ध्यान से देखना, ई डॉट डीएस, कुछ किताब वाले ऐसे भी लिखेंगे ई डॉट ए,
सब सही है। अरे छोटे छोटे टुकड़ों में हो तो अपन इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टुकड़ों में नहीं हो सीधा सीधा क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, ई डॉट एस, एस मतलब सरफेस एरिया, एस मतलब ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया, तो कुछ ई डॉट एस देते हैं कुछ ई डॉट ए देते हैं। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, क्लियर। अब इसका मात्रक की बात करें तो चलो भाई मात्रक की तरफ चलते, साधारण मात्रक ही है, कोई ज्यादा है नहीं। ई का मात्रक क्या है तो आपको पता है ई क्या होता है, वी बटा एल होता है। कल क्या था मैंने, कल मैंने आपको बताया था एक डीवी बटा डीआर, यहां लिखूं ई बराबर माइनस का डीवी बटा डीआर, बताया था। अरे बताया था नहीं बताया था, कल की क्लास हो रही, ई आगे डेरिवेशन करेंगे अपन, ई बराबर माइनस का डीवी बटा डीआर। तो वी को डायरेक्ट वी वोल्टेज लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लंबाई लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा वोल्टेज थोड़ी लंबाई, तो मैं इसको वोल्टेज लंबाई लिख सकता हूँ। तो मात्र क्या बनेगा बताओ, वोल्टेज का बना वोल्ट, नीचे बना मीटर, इसका बना मीटर का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया, वोल्ट इंटू मीटर, इसका मात्रक हो गया भाई। बना कि नहीं बना, कुछ भी रटने की जरूरत है क्या, नहीं, थोड़ा बहुत अपने को आता है उसे तोड़ वोड़ करके मात्रक निकाल देंगे, वोल्ट इंटू कौन सा मीटर, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब वोल्ट इंटू मीटर आ गया, अब क्या निकालनी पड़ेगी इसकी वीमा, निकालनी पड़ेगी वीमा, वीमा आप निकालो, आपको देता हूँ होमवर्क, वीमा तो यार 11th में पढ़ी है, तो वीमा आपके लिए क्या दे देता हूँ मैं इसको, पाई की वीमा क्या है आपके लिए, एच डब्ल्यू, क्या है भाई एच डब्ल्यू, कर लोगे, कैसे करोगे तरीका मैं बताता हूँ, कैलकुलेशन आप करोगे। वोल्टेज की निकालनी है, मीटर की तो आपको बताइए, वोल्टेज की कैसे निकालोगे बताओ, वोल्टेज की कैसे निकालोगे बताओ, आई आर में जाओगे तो आर की कहां से लाओगे, आर खुद अपने आप में एक समस्या है, वी बराबर आई आर में आर खुद एक समस्या है, कहां से लाओगे, ऐसा लाओ वीमा में हमेशा जो पद ला रहे हो फॉर्मूला लाओ आसान, जिसकी वीमा अपने को इजीली याद होती हो उसमें ही लाओगे ना, आप ऐसा पद ले आओगे जिसकी वीमा खुद ही अपने को याद नहीं है, एक वी की वीमा पता करने के लिए दूसरे की वीमा ऐसा लाए जिसकी पता ही नहीं हो तो दिक्कत है, क्या लाएंगे बताओ, कल ही बताया था, क्या बताया था बताओ, इसको मैं लिखूं वोल्टेज इंटू मीटर, और आपको पता है वोल्टेज को मैंने कल लिखा था डब्ल्यू बट्टा क्यू, लिखा था अरे लिखा था कि नहीं लिखा था, और आपको पता है डब्ल्यू की क्या होती है, बल इंटू दूरी है ना, एफ डी लिख दूं, एफ डी इंटू ये मीटर बट्टा क्यू, ये ध्यान रखना ये डी भी मीटर है एम भी मीटर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, मैं कठिन तो नहीं पढ़ा रहा भाई, मैंने क्या बोला, मैंने इसका मात्रक निकाल लिया, पहले तो मात्रक का सवाल आता है वोल्ट इंटू मीटर मात्रक हो गया, फिर इसका है कि वीमा निकालो, तो मैंने क्या किया वोल्टेज को मैंने लिखा डब्ल्यू बट्टा क्यू, वोल्टेज क्या होता है कार्य बट्टा आवेश, 10वीं कक्षा का सूत्र है ये, मैं कुछ नहीं बता रहा, ये 10वीं कक्षा का सूत्र है, डब्ल्यू बट्टा क्यू क्या है 10वीं कक्षा का सूत्र, डब्ल्यू बट्टा क्यू, ठीक है पता है ना, ये 10वीं कक्षा का सूत्र पढ़ा होगा यार, 10वीं में तो तुम स्कूल जाते थे तब तो कोरोना था नहीं है ना, हर चीज में कोरोना का बहाना तो अपन डाल नहीं सकते, सही है। तो डब्ल्यू बट्टा क्यू इंटू एम, डब्ल्यू को क्या लिखेंगे बल इंटू दूरी, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन, अरे भूल गए बल इंटू विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन, तो अब बस अब निकालो कैसे आएगा भाई, एम वन एल वन टी माइनस टू, इसको इसको फिर से लिखा एल और इसको भी एल, तो एल इंटू एल, क्लियर। और क्यू का क्या होता है कल बताया था ए टी, ए टी बस, अब आओ जोड़ बाकी गुणा भाग, एम एक है तो एम तो हो गया एक बार, एल कितना है 2 और 1 3, एल हो गया 3, टी कितना हो गया -3, बहुत बढ़िया, और ए कितना हो गया -1, और ये हो गया टक, ऐसे देखो करोगे तो टका टक काम हो जाएगा और आ जाएगी भाई की वीमा, आई कि नहीं आई, कितनी आसान है बताओ यार, ठीक है कि नहीं है। चलो इसके साथ मैं इधर एक चीज बता देता हूँ ताकि मेरे को पेज चेंज नहीं करना पड़े, केस वन ऊपर लिख देना, विशेष स्थितियां, क्या लिखोगे केस वन, सुनना अभी लिखना मत, मैंने बता दिया आपको एक फॉर्मूला ये, तो अब मैं इसी फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, ध्यान रखना ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला ही है,
मैं इसी का करूंगा, क्यों करूंगा मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। फाई बराबर केस वन थीटा बराबर जीरो डिग्री, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई एस और कॉस जीरो। अरे ई डॉट एस का मतलब क्या होता है भाई, चलो वापस लिखता हूँ आपके फाई, पहले आसान आसान से आराम आराम से लिखता हूँ ताकि आपके दिमाग में भी वो चीजें पच जाए। ये है सूत्र, इसको मैं लिख सकता हूँ ई एस कॉस थीटा, अरे फिर छोटा पड़ गया, चलो कोई नीचे लिख देता हूँ, फाई बराबर क्या हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा कितना है, जीरो डिग्री, तो चूंकि थीटा बराबर जीरो डिग्री है तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा वन, तो फाई कितना हो जाएगा ई इंटू एस, अरे होगा कि नहीं होगा, क्लियर, ई इंटू एस। अधिकतम फ्लक्स की स्थिति क्या है, क्या है अधिकतम, अधिकतम फ्लक्स की, फ्लक्स की स्थिति, क्लियर भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। जब भी अपना अंतिम सूत्र सुनते जाना प्यारे बच्चों, जब भी अपना अंतिम सूत्र फाई या कुछ भी अंतिम सूत्र कोण में खत्म हो, किस में हो, कोण में खत्म हो, तो अपन क्या करते हैं उसके केस ले लेते हैं, थीटा जीरो नब्बे एक सौ अस्सी, बस इतना कर लोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो ये अपना ये आंसर आया ई डॉट ए, इसका मतलब क्या है, ई एस कॉस थीटा ही तो है, तो अंतिम कोण में आया ना, तो जब भी अंतिम कोण में आएगा तो कोण की जगह तीन मान रख देंगे, क्या रख देंगे, एक जीरो, एक नब्बे और एक एक सौ अस्सी, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया केस वन, केस टू करें, केस टू में मैं क्या रखूं बताओ, सीधा नब्बे डिग्री रख दूं, तो क्या हो जाएगा फाई ई एस कॉस नब्बे, और कॉस नब्बे कितना होता है जीरो, तो फाई कितना हो जाएगा जीरो, मतलब कोई भी फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, कोई भी फ्लक्स। अब देखो जब अपने पास भरपूर समय हो, अब देखो मैं एक एक चीजें ऐसे सिखाऊंगा जैसे आपको परीक्षा में नंबर खुद चल के आएंगे आपके पास, ठीक है, आपको दिमाग, देखो अब अपने पास समय कम है, क्लियर, शॉर्ट में खत्म करना है डेरिवेशन को, तो अपन ऐसे ही लिख देंगे थीटा बराबर नब्बे कॉस नब्बे जीरो कर दिया, पीछे लिख सकते हो चूंकि कॉस नब्बे कितना होता है, कॉस नब्बे कितना होता है, पीछे बता दिया बस खत्म, तीन एक दो तीन स्टेप में हो गया, और ऐसे लंबा खींचना है एक दो तीन चार पाँच छः, अरे बात आ रही सुन में, कम ज़्यादा करना भी अपने अपने क्या होना चाहिए, आदत में होना चाहिए, समय कम है शॉर्ट में निपटाया, समय भरपूर है उसको फैला के, बात आ रही सुन में, क्लियर, फैलाना ऐसे है रायते की तरह नहीं फैलाना, सारा कचरा कर दो, ठीक है। तीसरा केस थ्री, कौन सा केस थ्री, कॉस केस थ्री में क्या थीटा कितना लूँ, ये कॉस था है, ठीक है ये ध्यान रखना है, कॉस क्या लूँ 180, तो अब क्या लूंगा भाई बताओ, कॉस एक मिनट, फाई बराबर क्या हो जाएगा ई एस कॉस 180 डिग्री, चूंकि कॉस 180 डिग्री कितना होता है भाई बताओ, कल बताया था माइनस का एक, अरे माइनस का एक, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा ई एस और माइनस का एक का माइनस आगे आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, यह शून्य फ्लक्स की स्थिति है, लिख देना क्या लिखोगे, यह शून्य फ्लक्स की स्थिति है और यह किसकी, ऋणात्मक फ्लक्स, किसकी, फ्लक्स की स्थिति है, क्लियर, अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, फ्लक्स पूरा कंप्लीट, बात आ रही समझ में, फ्लक्स एक बार से कंप्लीट हो गया। देखो पहले अपन ने फ्लक्स का डेरिवेशन देखा, फिर फ्लक्स का मात्रक देखा, उसकी विमा देखी, यहाँ लिख दो भाई ये टॉपिक डाल देना हेडिंग, ठीक है, विमा एच डब्ल्यू था और मैंने यहाँ से करा दिया, ठीक है, फाई बराबर, ठीक है, क्लियर, ये विमा हो गई, फिर ये केसेस हो गए तीनों, करो जल्दी से छापो।
हो गया, इधर आ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से करो भाई। हो गया, बना लोगे तीन केस हमेशा? आज नहीं है, हमेशा बनाने, खुद से कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, थीटा आया, जीरो रखा, कॉस कॉस या साइन जो भी है उस जीरो का मान पता होना चाहिए। 90 रखेंगे, कॉस या साइन 90 का मान पता होना चाहिए। 180 रखेंगे, क्लियर? और जो मान आ रहा है वैसे, ये देखो प्लस आ रहा है और अधिकतम आ रहा है तो अधिकतम फ्लक्स की स्थिति है, माइनस आ रहा है ऋणात्मक फ्लक्स की स्थिति है, जीरो आ रहा है शून्य फ्लक्स की स्थिति है। और क्लियर, ऐसा याद करो। अपन ने ना कब किया था, 10वीं कक्षा में कार्य के लिए किया था, कार्य था, कार्य क्या था, W बराबर F डॉट D, F D cos थीटा आता था। फिर अपन तीन केस लेते थे, जीरो तो अपन कहते थे धनात्मक कार्य, फिर अपन कहते थे ऋणात्मक कार्य, फिर अपन कहते थे शून्य कार्य, कहते थे नहीं कहते थे। देखो जो पढ़ा हुआ है वही काम आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, रिलेट करके पढ़ो हमेशा। पहले पढ़ा हुआ बेकार थोड़ी है भाई, काम आएगा। चलो आगे बढ़े, चलो भाई हटाया तो चलो, ये हमेशा ध्यान रखना, तल के लंबवत जो सदिश होता है इसकी दिशा बताने के लिए, ये कौन सा सदिश होता है, एकांक सदिश। कौन सा सदिश होता है ये, कौन सा सदिश होता है भाई, एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश क्या होता है पता है, तल के लंबवत एकांक सदिश को हमेशा किससे दर्शाते हैं, एन कैप से दर्शाते, किससे, एन कैप से, तल के लंबवत एकांक सदिश। एकांक सदिश होता क्या है, जब आया है तो बता ही देता हूँ। अगर आर का एकांक सदिश बताना है तो आर का सदिश बट्टा आर का परिमाण, क्लियर? आर का एकांक सदिश बताना है तो आर सदिश बट्टा आर का परिमाण, परिमाण, परिणाम, परिमाण में अंतर है। परिणाम का मतलब है रिजल्ट, परिमाण का मतलब है मात्रा। समझ आ रही बात, ये तो पता है इतना है ना, इसमें गलती नहीं करनी। चलो इसको हटाते हैं गिली गिली छू करके, ये सब अपने आ गया, ये आ गया, ये वाला देख रहे हो, ई डेल्टा एस, ये सब किताब भी पढ़ोगे समझ में आएगा यार। इसीलिए मैंने कहा यार किताब से पढ़ाते कुछ नया करते, नॉर्मली तो पढ़ाते ही हैं। ये आ गया क्लियर, देखो ये जब डेल्टा होता है ना, इधर एक चीज और बता दो, जब ये डेल्टा होता है तो ये समेशन आएगा, क्या आएगा, समेशन, और जब ये डी हो जाता है तो यहाँ क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन। अरे समझ में आया कि नहीं आया, जब ये डेल्टा है तो समेशन आता है हमेशा, और जब डी हो जाएगा जो अपन ने लिखा है, तो अपन ने क्या लिखा है, समाकलन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ सन्निकट चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, यह कि हमने छोटे क्षेत्र अवयव पर विद्युत क्षेत्र ई को नियत माना है, गणितीय रूप से केवल तभी यथार्थ है जब आप सीमा डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो ले, ठीक है, तथा समीकरण में योग को समाकलन के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है। विद्युत द्विध्रुव अगला टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं, 10 मिनट का 15 मिनट का टॉपिक है, क्लियर? तब तक अपनी क्लास ही हो जाएगी पूरी 1 घंटे की। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मंडे से पूरी प्रॉपर क्लासे लगेगी,
बात है, समझना। शेड्यूल आपको एक बार बता देंगे संडे को कॉल करके मैसेज करके, ठीक है। 40-40 मिनट का जो शेड्यूल होता है वैसे लगेगी, ठीक है। आज थोड़ी लंबी अपन ले लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, क्लियर। डायपोल का मतलब है, या द्विध्रुव का मतलब है, दो ध्रुव होते हैं। कैसे ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे NaCl में दो ध्रुव होते हैं, बात है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक Na होता है, एक Cl होता है, दो ध्रुव बन जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो ध्रुव होता है वो सेंट्रलाइज होता है, वो अलग अलग बात है। अभी अपन देख रहे हैं अपने काम की क्या चीज है वो देखें। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, यहां देखना, व्यवस्था बना रहा हूं मैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, और इनके बीच की दूरी मान लो तो 2d मान लेते। क्या मान लेते हैं? 2d। वैसे d भी मान सकते हैं लेकिन 2d मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहां से यहां तक अपन मान लेते हैं d है, और यहां से यहां तक भी क्या है? d है। समझ आ रही बात? और ये इसका केंद्र है O, ठीक है भाई। व्यवस्था देखो, बड़ी सुंदर व्यवस्था दिख रही है सबको। क्या है कि दो आवेश है, दो आवेश है, ठीक है, दो आवेशों के बीच में दूरी है 2d, क्लियर। डी डी सेंटर है O, क्लियर। यहां तक ठीक है भाई। अब परिभाषा शुरू करते हैं, किसकी? विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत या वैद्युत कुछ भी बोल सकते हो, विद्युत द्विध्रुव, सुनते जाना भैया, क्लियर। जब दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति, जब दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के, जब परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हो, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं भाई? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के, परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के, परिमाण क्यू क्यू है, समान है, विपरीत प्रकृति प्लस माइनस, अल्प दूरी 2d पर रखे हो, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विद्युत। तेरे को दिख रहा है उधर से? इधर आ जा आराम से, दिक्कत हो रही है तो। जिमण में क्या दूर बैठते हैं ना, उसके वहां तक वो टोकरी थोड़ी कम पहुंचती है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर भाई यहां तक? तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कोई भौतिक राशि नहीं, ये तो ऐसे नाम है, व्यवस्था है। भौतिक राशि तो क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्लियर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। परिभाषा शुरू करें। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अरे ठीक है कि नहीं है, क्लियर। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किसे? पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहां और लिख देता हूं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा
दिख रहा है ना अभी तक? हाँ, जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है, नेगेटिव से आवेश की तरफ होती है, बोलो ठीक है कि नहीं है? जिसकी दिशा कहाँ होती है? नेगेटिव से, कैसे होगी? अब ये है, इसकी दिशा कैसे होगी? ऐसे, नेगेटिव से। अरे दिशा कैसे होगी? दिशा कैसे होगी भाई, कैसे होगी? बात आ रही समझ में? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव में, परिभाषा देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, अर्थात यहां लिख दो परिभाषा कैसे बनेगी, अर्थात P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? Q इंटू 2D। अरे क्लियर? अरे बात, डी भी कहीं की किताब वाली डी लेते हैं, कहीं पे 2D लेते हैं, कहीं पे A लेते हैं, कहीं पे 2A लेते हैं। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? सबसे आंसर आता है, सबसे आंसर समान आता है, क्लियर भाई? पर अपन 2D लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि जो ए लेके चलते हैं ना या डी लेके चलते हैं, वो क्या करते हैं, दूरी को डी बट्टा दो करते हैं, और डी बट्टा दो दो में जब गणना करते हैं तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। अरे डी बट्टा दो का स्क्वायर करेंगे वगैरह करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बात है समझ? इसलिए अपन 2D लेके चलते हैं, क्लियर भाई? बैठा दिमाग, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो ये हो गया क्यू इंटू 2D, क्लियर है भाई? यहां तक घुसा के नहीं घुसा, अंदर तक बिल्कुल, बात है समझ? क्लियर? स्थायी मस्तिष्क होता है ना एक, स्थायी मस्तिष्क, मेरे को बायोलॉजी का नॉलेज तो नहीं, होता है कोई, वहां पहुंच जाना चाहिए, क्लियर? तो P बराबर Q इंटू 2D भाई, ठीक है? अब इसका क्या करेंगे आगे, मात्रक क्या ले? अरे मात्रक ले, हर देखो कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका मात्रक और विमा, ये भी आपको याद रखना हथियार है। देखो जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं, कोई नई भौतिक राशि पढ़ते हैं, तो उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, पहला वो सदिश है कि अदिश है, दूसरा उसका मात्रक क्या है भाई, तीसरा उसकी विमा क्या है, चौथा, ये चार चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या बोला मैंने, वापस बोलो। उसका चिन्ह, वो सदिश है कि अदिश है, तीसरा उसका मात्रक, और चौथा उसका विमा, क्लियर? ये तो पता ही होने चाहिए, ठीक है? भोजन में जैसे सलाद होता है ना, ये वैसे है, उतना इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक। तो क्या होगा, पी का मात्रक, क्यू मतलब क्या होता, कूलम, कूलम इंटू मीटर, अरे बस खत्म, मात्रक हो गया कूलम इंटू मीटर। सीजीएस में पूछेंगे ये तो क्या हो गया, एमकेएस या एसआई, अरे एसआई में हो गया ना, सीजीएस में पूछेंगे तो क्या करोगे, छोटा कर देना, पर ये मतलब नहीं, अपने एक ही याद रखना, कर सकते हो, कूलम को छोटा कर दोगे, उसको छोटा कर दोगे तो आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब इसका विमा चेक करें, विमा क्या है, कूलम की क्या होती है 80, मीटर की क्या होती है L। अरे क्लियर है कि नहीं है, 80 इंटू L यही होगी, हाँ यही होगी, क्लियर? अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो इसकी विमा क्या हो गई, ठीक है, क्लियर? तुम्हारे सामने निकाली, ठीक है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, आसान है, वन वन लगाना तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखी भी होगी, MLTA M0 कर देना, ये भी सही है, आगे ये जरूर लगाना P, ठीक है? ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, एक बार इसको आप नोट कर लो, फिर क्लास को करते हैं बंद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, ठीक है, और आपके जितने भी अन्य दोस्त विद्यार्थी मित्र हैं उनको भी, ठीक है, सूचित करना, क्लासेस सुचारू रूप से चालू हो चुकी है, ठीक है? क्लास जाते हो ना स्कूल?